दोस्तों, अगर आप भी अपनी आंखों के नीचे पड़े काले घेरों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आज का मेरा ये रेमेडी सिर्फ 3 से 7 दिनों के अंदर आपके आंखों के काले घेरे को जड़ से खत्म कर देगा। आपकी अगर आंखें अंदर धस चुकी हैं या आंखों के नीचे बहुत ज्यादा झुर्रियां आ चुकी हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। और आज का मेरा रेमेडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपका बच्चा 15 साल का है या फिर आपकी उम्र 80 साल की है, तो भी आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके अपनी आंखों की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। बहुत आसान से स्टेप बताऊंगी जिनको फॉलो करने के बाद आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और वो बेनिफिट आप बस कमेंट के थ्रू अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोग देख सके और उनको फायदा मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप मेरी फैमिली में जुड़ सकें, और जो छोटा बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊं तो आपके पास टन टन घंटी बज जाए। और यहां पर थम्स अप का बटन दिया है यानी लाइक का, उसको जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है फ्यूचर वीडियोस के लिए। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमें काले घेरे होते क्यों हैं। हमारी आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन होता है पहला, स्ट्रेस। आजकल की लाइफ में हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या तो अपना हमारा पर्सनल रीजन होता है या फिर ऑफिशियली काम इतना ज्यादा होता है कि हमें इसका स्ट्रेस होने लगता है। तो कोशिश करें स्ट्रेस को कम करें, उससे भी हमारे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज कि हम धूप में डायरेक्ट जाते हैं, धूप के कॉन्टेक्ट में, तो इसके लिए आप अच्छे सनग्लासेस लें, क्योंकि जब धूप जो होती है हमारी आंखों को डैमेज कर देती है। हमारी जो आंखों की स्किन होती है ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है नॉर्मल फेस की स्किन से, तो जैसी धूप उस पे पड़ती है तो उसके नीचे झुर्रियां आने लगती हैं, काले घेरे आने लगते हैं। तो ऐसे में आप जरूर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और आप साथ में सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। टिप नंबर 3 है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। अगर आप पानी ज्यादा पियेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपकी स्किन पर रौनक आएगी और साथ में आपके काले घेरे नहीं होंगे। चौथा रीजन होता है खून की कमी। खून की कमी कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए मेरे ऑलरेडी चैनल पर बहुत अच्छा वीडियो है जो बहुत सस्ता है, सस्ती चीज खाकर आप कैसे खून की कमी को दूर कर सकते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसकी वजह से हमारे आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगती हैं, आंखें हमारी अंदर धंसने लगती हैं और साथ में काले घेरे हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों रेमेडी की तरफ। रेमेडी बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आप एक कांच का बाउल ले लीजिए, उसमें आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद आप इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड कर लीजिए। अगर कस्तूरी हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल जो किचन वाली हल्दी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है इसमें कॉफी पाउडर। कॉफी भी आपने जो पाउडर लेना है बिल्कुल चुटकी भर कॉफी पाउडर इसमें ऐड करना है। और हमारा लास्ट और 4th इंग्रेडिएंट है बादाम रोगन तेल। हाँ, आप हमदर्द का ले सकते हैं बादाम रोगन या पतंजलि का ले सकते हैं। अगर आपके पास बादाम रोगन नहीं है तो आप 2 विटामिन ई के कैप्सूल इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए, जो मैंने इसमें बादाम का तेल ऐड करा है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारी आईज के लिए। हमारी आईज को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन देता है, एक तो आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आईज जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वहाँ पे झुर्रियां आ गई हैं, एजिंग को स्लो डाउन करता है, काले घेरों को खत्म करता है, और जो आपकी आंखें धस गई हैं वो पहले से बेटर दिखना शुरू हो जाएंगी। एलोवेरा जेल हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को यानी डार्कनेस को हटाता है। इसके साथ मैंने ऐड करा है इसमें कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर आपकी स्किन को रिजेनरेट करने का काम करता है, और जो हल्दी है वो एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो आपकी नई मसल्स को जनरेट करते हैं। जो आपके टिश्यूज डेड हो गए ना, आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगी हैं, काले घेरे हो गए, उनको लाइटन करके ब्राइटन करने का काम करती है हल्दी। ठीक है, तो ये हो गए इसके बेनिफिट। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जान लेते हैं कि लगाना कैसे है। लगाने का तरीका ये है कि रात को सोने से पहले आप अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लीजिए किसी भी माइल्ड फेस वॉश से, ठीक है, जो केमिकल फ्री हो उससे फेस वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद आपने रात को सोने से पहले थोड़ा सा अपनी फिंगर टिप्स पे लेना है इस जेल को, हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है अपने आंखों के ऊपर और आंखों के नीचे दोनों जगह पे। हल्के हाथों में सर्कुलर मोशन से मसाज करिए, 20 से 30 सेकंड इनफ है इतना, और उसके बाद सो जाइए। सुबह उठकर ठंडे पानी से अपनी आंखों को धो लीजिए। अगर स्टार्टिंग में आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप इसका इस्तेमाल सिर्फ 10 मिनट के लिए करें। 10 मिनट के लिए अपनी आंखों पे मसाज करें और ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोकर सो जाएं। आप स्टार्टिंग 10 मिनट से चेक करिए कि अगर आपकी स्किन पर सूटेबल है, क्योंकि वैसे इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट मैंने ऐड नहीं करा जो आपको सूट ना करे, तो 10 मिनट के लिए लगाएं, नहीं तो पूरी रात के लिए भी आप लगा सकते हैं जैसा आपको कन्वीनियंट हो। लेकिन अब बारी आती है इसके लिए स्टेप 2 की। देखिए, ये तो था हमारी स्किन की ऊपर से केयर करना, लेकिन इंटरनली अगर हम हेल्दी चीजें खाएंगे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपकी स्किन डल होती है तो आप फेशियल कराते हैं, लेकिन फेशियल कितना असर करता है, 3 से 4 दिन। लेकिन आप अंदर से अगर हेल्दी डाइट खाते हैं तो आपकी स्किन नेचुरली निखरनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। और दूसरी चीज, रात को सोने से पहले आपने लेना है गोल्डन मिल्क यानी टर्मरिक
दूध। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? बेहतरीन लगा तो लाइक तो बनता ही है ना, तो बस मेरी मेहनत के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही मेरी फैमिली के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।